तीसरे दिन की बात करते हैं भोला मूवी के बारे में। देखो दोस्तों, प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत स्लो चल रहा है, मतलब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें, हम रियलिटी में आए तो बहुत बड़ी कंसर्न हो चुकी है अब कि 2 दिनों में 18 करोड़ कर रही है ये मूवी। 100 करोड़ का बजट है और मुझे इसका जो सीन है ना, अब रक्षाबंधन जैसे एक फीलिंग आने लगी भाई कि मूवी रक्षाबंधन भी अच्छी थी लेकिन अपना बजट नहीं क्रॉस कर पाई थी। देखते हैं, मैं तो होप कर रहा हूँ कि बजट करे क्रॉस, और अभी भी मैं होपफुल हूँ कि 3rd और 4th डे। लेकिन मुझे ना एक अंदर से ये भी डर है कि 3rd और 4th दिन ठीक है, क्या 5वें दिन पे भी कोलैप्स जो होता है कभी कभी मंडे पे, हालांकि मंडे इस बार 5वां दिन आने वाला है, वैसे 4th डे रहता है, 1 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है भोला, बट स्टिल जो मुझे लग रहा है एक्सटेंड वीकेंड होने के बावजूद भी मुझे एक डर है। क्या देखो, ओवरसीज़ कलेक्शन को मारो गोली, ओवरसीज़ कलेक्शन को कोई भाव नहीं रहता है। वैसे देखा जाए फिर शाहरुख खान के रावण भी हिट है, वैसा नहीं रहता है। भारत में उसका कलेक्शन जो रहता है, नेट कलेक्शन, वो क्रॉस होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है, और वो भी 10-11 करोड़ तो उसके ऊपर होना चाहिए। एट प्रेजेंट जो रफ्तार भोला ने पकड़ी है, देखो उसके पीछे एक मैं रीज़न, एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ भोला की ये हालत क्यों हुई है उसके मामले में, बहुत सीरियस वीडियो है वो ज़रूर सुनना, थोड़ा थिंक ज़रूर करना लेकिन इसके बारे में भी, ओके। ये समहाउ अजय सर की फैंस की गलती ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं, शायद थोड़ी बहुत उनकी भी गलती है, ये क्यों ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, ये उस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में उस टाइप की बात ना करूँ भाई। एनीवे चलो ठीक है, जाने दो सब, अभी बात करते हैं भाई डे 3। देखो मैं ये अंदाज़ा लगा के जा रहा हूँ कि डे 3 भी डे 1 जैसा करेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो वक्त बताएगा। देखो सिंपल है, वॉकिंग ऑडियंस जाएगी ऐसा मुझे लगता है, रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस मूवी की वाट लगाने की जो कोशिश की है उसका भी थोड़ा सा असर हुआ है मूवी पे। 2 दिनों में 18 करोड़, 3रा दिन का कलेक्शन का जो मेरा प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ 12 करोड़ से लेकर 13 करोड़ कर रहा हूँ, मुझे अभी भी थोड़ा डेरिंग नहीं हो रहा है कि 15 करोड़ का प्रेडिक्शन करूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली थोड़ा बात करना चाहिए कभी भी, और एक रिव्यूअर कभी भी किसी का फ़ैन होके नहीं बात कर सकता है, एंड सीरियसली आई एम नॉट एनीवनस फैन बॉस, बस रियलिटी के साथ मैं रहता हूँ। कोई भी एक्टर हो अगर वो मेहनत करता है और वो मेहनत नहीं लाती है रंग तो बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन ओके एनीवेज अगर ये होता है 13 करोड़ जाती है ये मूवी तो 3 दिनों में 31 करोड़ भारत में इसका नेट कलेक्शन होता है, विच इज़ गुड। लेकिन इसको 15 करोड़ यार मिनिमम 15, क्या मैं तो सोच रहा था एक्चुअली कि सैटरडे का ही मेरा प्रेडिक्शन 15 होना चाहिए और संडे का 20, पर वो नहीं हो रहा है ना, रफ्तार मुझे नहीं दिख रही है वो, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि मुझे शॉक्ड कर देना चाहिए भोला टीम वालों ने, अजय सर नहीं, वो कलेक्शन ने, भोला के फैंस ने, अजय के फैंस ने, पर ऐसा नहीं लग रहा है। एनीवे 3 दिनों में 31 करोड़ मेरा प्रेडिक्शन है, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं इस बार, 13 करोड़ ही बोल रहा हूँ मैं सैटरडे को, लेकिन मुझे लग रहा है वो एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा भी नहीं आएगा कम भी नहीं, तो 31 करोड़ 3 दिनों में। लेकिन 4th डे भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ 3rd डे का वीडियो था, और देखो भाई इसको बहुत उसके बाद भी, लेकिन 5वें दिन भी बहुत स्ट्रगल है इसको, देखते हैं ये 100 करोड़ जाएगी या नहीं। अभी भी मैं चाहता तो हूँ कि अजय सर के फैंस इतना टूट पड़े मूवी पे कि 150 करोड़ नेट कलेक्शन हो इसका, पर प्रैक्टिकल भी तो कुछ चीज़ होती है ना, प्रैक्टिकली लग नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। बुरा ये लगा तू झूठी मैं मक्कर से भी, तू झूठी मैं मक्कर बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर ली भाई उसने, इससे ज़्यादा, देखते हैं क्या होता है भाई 3 दिनों में 31 करोड़। शेयर करो यार वीडियो को, एंड अजय फैंस क्या बोलूँ क्या मैं यार, दैट्स इट, शेयर करो वीडियो को, बाकी क्या बोलूँ।